गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू स्केल इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। आई विल टीच यू स्केल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्केल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल। लेट अस स्टार्ट। मैं सबसे पहले आपको स्केल के बारे में बताऊंगा कि स्केल का काम क्या है या स्केल किसे कहते हैं। तो डिफिनेशन के हिसाब से आइए, मैं फिर को आपको अच्छे से भी समझाऊंगा। द प्रोपोर्शन बाय विच आइदर रिड्यूस और इंक्रीज द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए ड्राइंग इज नोन एज स्केल। ऐसा प्रोपोर्शन, ऐसा रेशियो जिसके जरिए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज को रिड्यूस करते हैं या इंक्रीज करते हैं या एक्चुअल साइज का हम लोग दिखाते हैं ऑन ए ड्राइंग में, उसी को हम स्केल कहते हैं। वही स्केल इसके बारे में जाना जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिड्यूस इंक्रीज और एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कभी हम उस ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल साइज से घटाते हैं, कभी उस ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल साइज से बढ़ाते हैं, कभी उस ऑब्जेक्ट के ही साइज को हम दिखाते हैं, उसी को कहते हैं स्केल। ठीक है, जैसे यहाँ से दिल्ली अगर 1000 किलोमीटर है तो 1000 किलोमीटर का पेपर पर दिखाना इम्पॉसिबल है। अगर 1000 किलोमीटर का पेपर भी बनाएंगे तो उसको सैंते सैंते चौकते चौकते आपको कई साल लग जाएंगे, या खोलेंगे या बंद करेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम पेपर पे 1000 किलोमीटर दिखा सकते हैं, तो इसको साइज को घटाएंगे यहाँ पर इंक्रीज। अब आप देखें, छोटे छोटे पार्ट जैसे बैक्टीरिया वायरस आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसका साइज, उसका फोटो आप बुक में देखते हो, तो जो दिखाई नहीं देता उसको कैसे दिखा दिया बुक में, तो उसको उसका फोटो उसका जो ऑब्जेक्ट से बड़ा दिखाया गया, इसलिए आपको दिख गया। मोबाइल में बहुत सारे चिप्स होते हैं जो जो उसका साइज में है उसमें दिखाया जाएगा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। कोई सी बुक में प्रिंट किया जाए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, तो उसको बड़ा करके दिखाते हैं, यानी हम यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल साइज को बड़ा करके दिखाते हैं तो हमको वो दिखता है अच्छे से। या एक्चुअल साइज का मतलब हुआ 5-7 सेंटीमीटर से कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा 20 सेंटीमीटर के रेंज में रहता है तो उसको एक्चुअल साइज हम दिखा सकते हैं। जैसे ये पेंसिल है, इसका एक्चुअल साइज में हम ड्रॉ कर देंगे तो पेपर पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको भी कर देंगे, ये पेन को भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना वाले साइज को हम एक्चुअल साइज दिखा सकते हैं, लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। मोबाइल का नेट हो गया और बहुत सारे चिप्स पार्ट, बहुत सारे स्मॉल पार्ट्स होते हैं हर जगह, उसको अगर उसी साइज में दिखाएंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको हम बड़ा करके उसको दिखाते हैं। एक्चुअल मैं बता दिया कि इस साइज के ऑब्जेक्ट को आप एक्चुअल पेपर पर इतना बड़ा ड्रॉ कर सकेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आता है टाइप्स ऑफ स्केल। स्केल कितने तरीके का होता है? स्केल 6 तरीके का होता है। प्लेन स्केल जो आपको पढ़ना है, डायगोनल स्केल भी पढ़ना है, वर्नियर स्केल, कॉम्परेटिव स्केल, कोड ऑफ स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल। ठीक है, ये आपको जानना है इसके बारे में नाम, लेकिन पढ़ना यही दोनों, इसी से यही दोनों प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, इसी से क्वेश्चन पूछेंगे। दो क्वेश्चन स्केल से रहेंगे, अगर आप पढ़ लिए तो पास कर जाएंगे। ठीक है, प्लेन डायगोनल, और आप बारे में उसके बारे में नाम जानिए, प्लेन हुआ, डायगोनल हुआ, वर्नियर स्केल, कॉम्परेटिव स्केल, कोड ऑफ स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल, ये सब के बारे में हमको नहीं जानना है, सिर्फ नाम सुन लिए। अब आते हैं यूजेज ऑफ स्केल। स्केल का क्या यूज है? तो स्केल का यूज है, आपने देखा कि बड़े दूरी को एक पेपर पर दिखा देना, छोटे ऑब्जेक्ट या छोटे कोई दूरी ऑब्जेक्ट में उसको भी पेपर पर दिखा देना, ये हुआ स्केल का यूज। तो आप देखिए, स्केल आर यूज टू मेजर डिस्टेंस डायरेक्टली। स्केल का काम है किसी भी मेजर को डिस्टेंस डायरेक्टली मेजरमेंट करने का, डायरेक्टली मेजरमेंट कर सकते हैं। स्केल आर यूज टू प्रिपेयर, रिड्यूस और इनलाइन साइज ऑफ ड्राइंग, वही हुआ कि छोटे को बड़ा करके दिखाना, बड़े को छोटे करके दिखाना पेपर पर। स्केल आर यूज टू सेट ऑफ डायमेंशन, अगर आपके सेट ऑफ डायमेंशन में इसका काम आएगा, जैसे ये 5 सेंटीमीटर का है
तो हर बार मेजरमेंट थोड़ी करेंगे, 5 सेंटीमीटर का भी यहाँ पे हम इसी साइज का ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो स्केल का आप यूज समझ गए, डायरेक्टली उसको मेजरमेंट करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को छोटा है तो बड़ा करके दिखा सकते हैं पेपर पे, बड़ा है तो बहुत बड़ा है तो छोटा करके दिखा सकते हैं पेपर पे, या एक्चुअल साइज का है तो एक्चुअल साइज का पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप जाइए साइज ऑफ स्केल, साइज के फुल साइज स्केल है और रिड्यूसिंग स्केल है, इनलार्जिंग स्केल है। फुल साइज जो उसका साइज है उसी वही साइज को ड्रॉ कर देंगे पेपर पे, ड्रॉ भी हो जाएगा, हमको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको बोलेंगे फुल साइज स्केल। रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग मतलब उसका साइज को हम घटाते हैं 10 गुना 20 गुना 50 गुना। अगर यहाँ से दिल्ली का दूरी 1000 किलोमीटर है तो हम उसको बहुत सारे मान लिया 1000 गुना घटाएंगे उसको। उसी तरह इनलार्जिंग, अगर किसी बैक्टीरिया वायरस या और भी कोई चीज़ का, कोरोना वायरस का ही ले लीजिए, उसका साइज बहुत छोटा है, उसको कैसे दिखाएंगे, उसको बड़ा करके दिखाएंगे, तो ये इनलार्जिंग ही हो गया आपको साइज ऑफ स्केल। अब आप जानिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन बनाने में पूरा स्केल में यूज होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, उसको आरएफ बोलते हैं। उसका उसका मतलब हुआ लेंथ ऑन मैप बाय एक्चुअल लेंथ, यानी उसका लेंथ पर मैप कितना है, लेंथ ऑन मैप नक्शा पर कितना है, पेपर पर कितना लेंथ है और एक्चुअल साइज कितना है, ये जानना होता। सपोज यहाँ से दिल्ली 1000 किलोमीटर है, हम उसको 10 सेंटीमीटर में दिखा दिए तो लेंथ ऑन मैप हो जाएगा ऊपर में, एक्चुअल लेंथ 1000 किलोमीटर हो जाएगा नीचे में, ठीक। आपको हम समझा रहे हैं, आप देखिएगा। अब इसका देखिए डिफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं भी फिर पढ़ देता हूँ। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ ड्रॉइंग शीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कॉरस्पॉन्डिंग एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसको और बोलते हैं रिड्यूसिंग फैक्टर, और बोलते हैं रिफ्रैक्टिव फैक्टर भी इसका नाम जाने जाता है, और इसको हम स्केल ऑफ फैक्टर भी बोलते हैं। तो उसका मतलब हुआ लेंथ ऑन मैप बाय एक्चुअल लेंथ, मैप में कितना लेंथ है, एक्चुअल में कितना लेंथ। अगर इसका मैप में अगर 10 सेंटीमीटर होगा, अगर इसका मैप में 20 सेंटीमीटर होगा तो इसका हकीकत में 10 सेंटीमीटर ही है, तो लेंथ और मैप कुछ होगा, एक्चुअल लेंथ कुछ होगा। अगर दिल्ली से यहाँ से अगर दिल्ली का दूरी अगर 1000 किलोमीटर है, मान लिया पटना से ही, तो लेंथ ऑन मैप होगा उसको 10 सेंटीमीटर में दिखा दे रहे हैं, 10 सेंटीमीटर ऊपर लिखेंगे एक्चुअल लेंथ लिखेंगे 1000 किलोमीटर, वही हुआ इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑन मैप बाय एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। इसको दूसरे लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं आरएफ इक्वल टू लेंथ ऑन मैप बाय एक्चुअल लेंथ। और भी उसको और समझना है तो स्मॉल क्वांटिटी बाय लार्ज क्वांटिटी, और समझना है तो आरएफ इक्वल टू एलओएस लेंथ ऑफ स्केल बाय मैक्सिमम लेंथ। अब बोलिए कैसे, यूँ तो आप समझ गए इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑन मैप, यानी मैप पर जितना दूरी दिया हुआ है बाय एक्चुअल डिस्टेंस, लेंथ ऑन मैप बाय एक्चुअल लेंथ। मैप में उसका कुछ और होगा, हकीकत में कुछ और होगा, एक माइक्रो चिप हुआ या बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हुआ, बैक्टीरिया वायरस हुआ, या मशीन के भी बहुत सारे छोटे पर मोबाइल के नट होते हैं, छोटे होते हैं, उसका लेंथ ऑन मैप में कुछ होगा, एक्चुअल कुछ होगा। यहाँ से दिल्ली 1000 किलोमीटर है पटना से, उसका लेंथ ऑन मैप कुछ होगा, एक्चुअल लेंथ कुछ होगा। तो उसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आरएफ इक्वल टू स्मॉल क्वांटिटी बाय लार्ज क्वांटिटी, मतलब यहाँ से दिल्ली 1000 किलोमीटर है उसको नीचे लिखेंगे, उसको अगर हम 10 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे, यानी स्मॉल क्वांटिटी, यानी जो मैप पर जो होगा डिस्टेंस उसको बोलते हैं स्मॉल क्वांटिटी, लार्ज उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी यहाँ से दिल्ली 1000 किलोमीटर है, उतना ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, वही डिस्टेंस नीचे में आएगा, यानी स्मॉल छोटा वाला ऊपर रहेगा, बड़ा वाला नीचे रहेगा। यह बात ध्यान रखिएगा तो आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन में स्मॉल क्वांटिटी बाय लार्ज क्वांटिटी। अब आप देखिए लेंथ ऑफ स्केल, इसको हम एलओएस बोलते हैं शॉर्ट में, बाय मैक्सिमम लेंथ भी हम आरएफ को बोलते हैं, आरएफ को लेंथ ऑफ स्केल बाय मैक्सिमम लेंथ इक्वल टू। अब देखिए एलओएस अगर आप लिखिएगा तो एलओएस इक्वल टू हो जाएगा आरएफ, इस मैक्सिमम लेंथ को उधर ले जाइएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, एलओएस इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ, एलओएस इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ, LOS इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, ये फॉर्मूला है, ये यूज होगा, यही हो जाएगा। आप एक इस बात को यह ध्यान रखिएगा और LOS को यह ध्यान रखिएगा, आप सब सीख जाइएगा। देखिए उसी को हम कैसे किए हैं, LOS इक्वल टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, यहीं से आया, RF को यहीं रखने LOS को यहीं रहने दिए, RF से गुना हो गया, ये डिविजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में हो गया, उसको हम इस तरीके से फिर अच्छे से दिखा देते हैं आपको, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ।
अब आप समझ गए, अब आपको मैं प्रॉब्लम कराऊंगा, आपको मैं प्रॉब्लम प्लेन का कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ का एक टर्म भी आएगा, उससे आप समझेंगे, ठीक है। वेरी गुड, आप लोग अच्छे से इसको देखो।